सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि एकादशी व्रत करते हैं तो क्या प्रदोष व्रत ना करें, क्योंकि एकादशी और प्रदोष कई बार लगातार हो जाते हैं। जिस दिन तिथि क्षय होता है, द्वादशी में एकादशी व्रत होता है, तो द्वादशी के बाद सीधा प्रदोष आ जाता है। तो जैसे कल एकादशी हुई और आज प्रदोष हो गया, तो अब ऐसी परिस्थिति में जो प्रदोष व्रत करते हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है कि क्या करें, एकादशी का व्रत पारायण ना करें तो वह व्रत बेकार होता है। तो उसके लिए नियम यह है कि त्रयोदशी लगने से पहले भगवान का पूजन करें, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, और भगवान को चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, ठाकुर जी को जो भोग लगाया है, अपने ठाकुर जी की जो सेवा की है उसमें जो भगवान को भोग लगाया है, उसमें से कुछ प्रसाद अंश ग्रहण कर लें, और वो प्रसाद लेकर के और पारायण के नाम पर अन्न का बना हुआ प्रसाद हो। प्रसाद का मतलब ऐसा नहीं कि मिश्री या चने चरौंजी कुछ रख दिया, नहीं, अन्न का भोग लगाएं भगवान को। ठाकुर जी को तो भोग लगता ही है, और अन्न का जो भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा अन्न का आप अंश निकाल लें, प्रसाद रूप में अंजलि में लेकर के पालें, तो आपका एकादशी पारायण हो गया। जैसे अम्बरीश जी ने चरणामृत लेकर के वो निर्जल व्रत का पारायण कर लिया था, वो निर्जल था तो जल से पारायण हो गया। अब आपने निर्जल तो नहीं किया, खूब कोटू की पूड़ी खाई है तो निर्जल तो नहीं है, पर देखो चरणामृत से उसी व्रत का पारायण होता है जो निर्जल हो। अब निर्जल था तो जल से पारायण हो जाएगा, लेकिन यहां तो जल जला था तो फिर जल से पारायण थोड़ा ही होगा, कैसे होगा उसका पारायण, तो फिर भैया अन्न से ही होगा। तो भगवान को भोग लगाएं और थोड़ा सा अन्न ग्रहण कर लें, तो उस अन्न के ग्रहण करने से व्रत पूर्ण हो जाएगा, मतलब आपके व्रत का पारायण हो गया। और व्रत पारायण करने के बाद आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। ऐसी शास्त्र आज्ञा है कि भगवान के प्रसाद ग्रहण करने से व्रत नहीं टूटता। ये हम अपने मनमुखी बात नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र की बात है।